प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद लोग बीएसएनएल की ओर बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल और जियो यूजर्स तेजी से बीएसएनएल में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। वहीं खबर है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील तय हुई है। TCS और BSNL मिलकर भारत के 1000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। मौजूदा समय की बात करें तो अभी 4G इंटरनेट सर्विस में जियो और एयरटेल का दबदबा बना हुआ है, लेकिन अगर BSNL मजबूत हो गया तो ये जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ा सकता है। टाटा भारत के करीब 4 रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। BSNL की ओर से देश भर में 9,000 से ज़्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसे 1,00,000 करने का लक्ष्य है। प्राइस में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जियो ने की है। कंपनी एक बार में ही प्राइस में सीधे 12-25% तक का इजाफा कर चुकी है, तो वहीं एयरटेल के दामों में 11-21% का इजाफा हुआ है और VI ने 10-21% तक इजाफा किया है। सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों को जियो को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा है, इसी वजह से लोग BSNL की तरफ भाग रहे हैं।